हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे सफ़ेद छोले, वह भी बिना प्याज और बिना लहसुन के। तो आइए बिना प्याज और बिना लहसुन के टेस्टी सफ़ेद छोले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने पौना गिलास सफ़ेद चने ले लिए। इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से पानी में धोएंगे। 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे भिगोकर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें भिगोकर रख दिया था। चने हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो इसे रात में ही भिगो दें। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हम कुकर में चने डाल देंगे। 1 से 1.5 इंच ऊपर पानी डाल देंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे। अब हम इसे गैस पर रखकर बॉईल करेंगे। एक विसल आने के बाद 15 से 20 मिनट आप लो फ्लेम पर रख सकते हैं या फिर 5 से 6 विसल लगा लें। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। छोले हमारे उबल कर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे बॉयल हो गए हैं। कुकर हमारा ठंडा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें से 1 बाउल छोले हम निकाल लेंगे। एक बाउल छोलों को निकाल कर हम अलग रख लेंगे। अब हम तड़का लगाना शुरू करेंगे। तड़का लगाने के लिए ये मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वह डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले डालने से छोलों में टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुछ सेकेंड के लिए हम इन्हें भून लेंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें 2 से 3 टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। मिक्स कर देंगे और अब हम इसे पकाएंगे। ये सफ़ेद छोले बिना प्याज और बिना लहसुन के हम बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार सफ़ेद छोले ज़रूर बनाएं। आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। जो हमने 1 कटोरी चने निकाले थे उसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मैंने देगी मिर्च का यूज़ किया है, इससे सब्जी में कलर बढ़िया आता है। 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें चना मसाला डालेंगे। चना मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हाथ पर क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से छोलों में टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को भूनेंगे। जितना हमारा मसाला अच्छा भुना होगा उतनी ही सब्जी टेस्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर हमारे मसाले में आया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल मसाले से अलग ना हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से कुक ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। ऑयल भी मसाले से अलग हो गया है। जो 1 बाउल चने हमने निकाले थे उन्हें हम मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है, वह हम डाल देंगे। इससे हमारे छोलों की तरी बहुत ही गाढ़ी बनती है। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने इन्हें बिना प्याज और बिना लहसुन के बनाया है। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। ऑयल भी मसाले से अलग हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अब हम इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। छोलों में बॉईल आ गया है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
छोले हमारे कितने गाढ़े हो गए हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया छोले हमारे बनकर रेडी हुए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने इन्हें बिना प्याज और बिना लहसुन के बनाया है और यह बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके छोले एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। आप इसे रोटी, परांठा, चावल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि यह बाद में गाढ़े भी हो जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, छोलों की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।